please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. शादी में शरीक हैं? हाँ, शादी में शरीक हैं। दूल्हा भी हो सकते हैं? नहीं, दूल्हा की तरह। दूल्हा की तरह से नहीं है। अभी इनकी शादी नहीं होगी। किनकी शादी होगी? सबकी शादी से मुस्लिम समाज के अंदर जो भी हो, मुस्लिम समाज में सब ये बैचलर्स नहीं, आप लोग नहीं है शादी के लिए? नहीं, हम नहीं है। हम तो खाली हमारी आए हुए हैं, हम गेस्ट लोग हैं। गेस्ट लोग हैं तो दुल्हन की तरफ से या दूल्हा की तरफ से? दुल्हन दुल्हन की तरफ से है। फ्रेंड है? बहन 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 है। बहन है, दुल्हन की तरफ से आए हैं आप? हम भी वही साथ में हैं। हां, क्या बात। और आप, आपका नहीं, आपका हम दूल्हे और दुल्हन की तरफ से। दूल्हा दुल्हन दोनों की तरफ से? हां, मुझे तो लग रहा है कहीं आपका तो निकाह नहीं है। माशाल्लाह, कितना हमारा नहीं, हमारे बड़े भाई का है। माशाल्लाह, कितना अच्छा लग रहे हैं आप। अरे शुक्रिया, थैंक यू। हां, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये क्या बनाया आपने? ये रबड़ है सर। अच्छा, फैशन फैशन है ये? हां, बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये चिकन। ये लखनऊ का नहीं है? ये लखनऊ का नहीं है, यही का है। ये यही का है? हां, जूते लाल पहने आपने? चेरी कलर है। लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी हैंडसम। हाँ भाई, निकाह हो रहा है? ये समूह लगन हो रहा है, सम्मेलन। सम्मेलन हो रहा है, सम्मेलन, समूह, समझते हो ना भाजी? इधर से या उधर से? किधर से? नहीं, लड़के के तरफ से। लड़के की तरफ से? लड़के की तरफ से ज्यादा खातिर होती है। सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई, शहनाई, शहनाई। आपा जी, क्या बात है। शेर से बात खत्म की गई थी यहाँ पे, और वो शेर था बड़ा लाजवाब, लाजवाब शेर पढ़ रहे थे आपको। आखिर में शेर कौन सा पढ़ा था आपने हुजूर अली? उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। आए हे पाजी, और यहाँ पे हम इस्तेआई यानी सामूहिक निकाह में आए हैं, और यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं जो जनाब अली के साथ साथ एक और महानुभाव बैठे हैं, द्वारकेश लाल जी महाराज, और गुजरात में ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है पाजी। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा, शादी हो रही है तो चेहरे लड़के क्यों नजर आ रहे हैं सबके? भाई खड़े होइए जरा आप लोग, साहब लोग, एक क्या बात है। तो साहब, कितने लोगों की शादी है इस्तेआई सामूहिक? 30 जोड़े हैं जी। 21 30 30 30 30 हैं। तो जनाब, आपका नाम क्या है? साजिद सादिक। आपके साथ? शेख मोहम्मद अमीन। तो साहब, उतरे हुए चेहरे क्यों नजर आ रहे हैं? हंसते हुए मुस्कुराते हुए नजर आए। तमाम बातें हो रही हैं, तमाम बातें कही जा रही हैं, चुनाव का समय है, लेकिन ऐसे में हिंदू मुसलमान की जो जो ब्रिज बनने की कोशिश है, तो ये तो साहब बड़ी गजब है जी। बड़ौदा हमेशा इसके लिए मिसाल रहा है। रिफाई एकेडमी एंड वेलफेयर ट्रस्ट और कल्याण कृपा ट्रस्ट के माध्यम से संयुक्त समन्वय के बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिश गुल से है कि कहीं चमन को जला न दे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शहनाई, शहनाई, शहनाई। लोगों ने कहा कि जो यहाँ पे निगाह इस्तेआई और सामूहिक निकाह होते हैं उनमें वो बातें नहीं दिखाई पड़ती जिनके बड़े हल्ले होते हैं, यानी जो उत्तर भारत में सुनाई पड़ रहे हैं, तलाक तलाक तलाक, वो चीजें यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पर ये चीज अभी तक देखी नहीं गई है कि खानका में जो निकाह हुए हैं, हाँ जी, जितने भी, हाँ, वो अभी तक ऐसा नहीं मालूम पड़ा कि भाई वो उनमें तलाक हो गई है, ऐसा कभी नहीं मालूम पड़ा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुजूर अली, ऐसा क्यों? हजरत, ये वलियों का दर है, और वलियों के दर पे जो निकाह होते हैं उनमें उनकी दुआएं शामिल होती है, जिसकी वजह से इनकी जिंदगियों में बरकतें होती है। खुश तो है जनाब? हाँ, बिल्कुल खुश है। चेहरा क्यों उतरा हुआ है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? खुश है, खुश है। चेहरे जरा मुस्कुरा के दिखाइए हुजूर अली। शहनाई।
बिरयानी खाओगे कि नहीं खाओगे? मुझे मालूम है तुम बिरयानी जरूर खाओगे। तो चलो बाजी, बिरयानी आपने, मैंने एक चावल उठाया देख लिया, बिरयानी बड़ी अच्छी है, खुशबू मेरे यहाँ जाफरान की आती है। आप बाजी मुने किनी जाने ने कान छेड़ी रे, मुने किनी जाने ने कान छेड़ी ने, पशी कई दो जशोदाना कान मा, पशी कई दो जशोदाना कान मा, मारो मारगड़ो मारगड़ो मारो मारगड़ो। पाजी पान मेहंदी, पाजी दोनों चीजें रचती हैं गुजरात में एक साथ, और आप बेचती हैं पान भी? पान भी मैं बेचती हूँ। और गुजरात और मेहंदी भी? मेहंदी पान पाउच 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 कहेगा पानी का पाउच पाजी, और कहेगा पाउच है पाजी। पाजी एक मुंह में रस्ता और एक हाथ में, क्या नाम है आपका? शेरबानू। शेरबानू शेरबानू पाजी, गुजरात में ही ये हो सकता है, शेरबानू बेच सकती है पान भी और मेहंदी भी। भाई बोलो, हमें सरकार ऐसी चाहिए जो पब्लिक का सोचती हो, पब्लिक के लिए। सरकार सोचती है, जो प्रेजेंट सरकार है वो सोचती है, वो सोचती है लेकिन बहुत कम सोचती है, कम सोचती। भाजपा ने जो आज तक किया वो कोई नहीं कर सकेगा, कोई कर सकता नहीं है। वो इंदिरा गांधी थी मगर अब उसके बाद में कुछ भी नहीं है, ये सब वो पहले राम वनवास गए थे ना तब बोल के गए थे, जो तीसरे नंबर के लोग थे वो वहाँ पे ही रुक गए थे, तो बोल के गए थे कि बाद में आप राज करोगे, तो वो लोग राज कर गए। मगर अब तो मर्द आ गया है नरेंद्र मोदी, उससे जैसा मर्द कोई पैदा हुआ है ना होगा। नहीं वो बात तो बराबर है, जो मोदी के बारे में जो बोला जाता है वो बड़ा प्रधान है और सबका सोचते है, लेकिन उनके साथ जो चलने वाले प्रधान नेता है जो है वो सही तरह से काम नहीं करते हैं। इसने कुछ नहीं किया, सब ने किया है, भाजपा सरकार ने किया है और दिया ही है सबको, कुछ लिया नहीं है, वो लोग तो सब लेके बैठ गए। क्या बोले सर, कुछ समझ में ही नहीं आता, सरकार ऐसी बनाई है, पब्लिक हैरानी है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता क्या करना है क्या नहीं करना है साला। बस सर और क्या, थैंक यू। मौजूद और जनता इतनी बढ़िया मिल जाए नेता के साथ, तो समझ लीजिए आपने खाना तो खाया है साथ में स्वीट डिश भी मिल गई। क्या बात है, क्या बात है पाजी, बड़ौदा की गर्मा गर्म जनता, और इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस कहीं से भी बिरयानी से एक चावल उठा लो और पूरा स्वाद पता चल जाएगा कि कितनी पकी है और कितनी। तो बाप रे बाप, तो जो भारत माता की जय बोला वो तो समझ जाओ पाजी किधर है। थैंक यू सो मच। तो मैं आपका पाजी बस वंदे मातरम, वंदे मातरम से किसी को एतराज नहीं, बस मैं आपका तारुफ करा दूं पाजी, जो हमारे साथ यहां पे मौजूद है कांग्रेस से प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ मौजूद है, और बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में रोरो राष्ट्रीय नेता हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हम कुछ मुद्दे पे शुरू करेंगे, बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन जनता के मुद्दे जनता ही बताएगी। आप पाजी इधर आप परे आप पासा। तो क्या लग रहा है क्या होने वाला है इस समय गुजरात में? गुजरात में बीजेपी कांग्रेस ही आएगा। अप्पा जी देखो जीएसटी है, एक लड़का चॉकलेट 50 पैसे में 1 रुपया का मिलता है, ये 50 पैसे की चीज। टिकट बड़ा बढ़ गया से गुजरात में, तो कांग्रेस 50 पैसे की चीज
एक रुपए में बिक रही। जी जी बाबूजी, इनको पूछना चाहूंगा कितनी सरकारी उन लोगों ने ये स्कूल्स बनाई, और स्कूल ऐसी क्यों बनाई कि उसमें कोई सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते, कोई अच्छे घर के बच्चे पढ़ने नहीं जाते। और हमें अगर आज एडमिशन मेरी बच्ची का लेना है तो पहले ये सोचना पड़ता है कि कितना डोनेशन भरना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इन लोगों ने यूनिवर्सिटी में इतना भ्रष्टाचार किया है कि इतने 3-3 करोड़ के लोग भ्रष्टाचार इनके करके जाते पर वापिस नहीं ला सकते। कैसे 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 इनकी मैनेजमेंट है ऐसी। पाजी जनता दोनों बराबर का कंपटीशन। जी मैं ये जानना चाहता हूँ, उसने कहा कि आपने कोई नए स्कूल खोले हो, कॉलेजेस खोले हो, विकास का कौन सा काम किया हो, मुझे बताइए। गुजरात में तो पहले ही विकास होता था। गुजरात पहले से विकसित राज्य है, ये बात इनकी गलत है। इसका विकास की जो गति गुजरात में बढ़ी है, हाँ, वो बहुत जल्दी से बढ़ी है। पूरे गुजरात की मैं बात करता हूँ। sure. ये लोग जब छोड़ के गए थे तब 48,000 कॉलेज थे, आज आप इनकी बात पे हंसते क्यों हैं? क्योंकि झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना इनका काम है। और कांग्रेस के शासन में जो 7 यूनिवर्सिटी बनी, जो सरकारी स्कूलें बनी, उन्हीं में ये पढ़ के बड़े हो। ये खुद जब पढ़े तब फीस कितनी भरी और आज कितनी फीस है, इनसे मेरा सवाल है। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे कोई आंकड़े जो डेटा दे रहा हूँ वो मेरे घर के नहीं है। जो 38,000 स्कूल उनके टाइम पे थी, आज 61,000 स्कूल है, वो हमारे टाइम पे है। सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी स्कूल की। स्कूलें हैं आज भी गुजरात में, लॉलीपॉप बांटी जाती है एजुकेशन के नाम पे। यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी में आज भी फीस का बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षण में भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ पे ये जो आंकड़ा बोल रहे हैं, ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेज खुली है। 7 यूनिवर्सिटी जो कांग्रेस ने बनाई थी, आज भी वही यूनिवर्सिटी है। पाजी अभी अभी उन्होंने बोला कि जोर से बोलना, झूठ बोलना, तो आपने अभी दर्शकों ने माइक में देखा होगा कि जोर से कौन बोल रहा था, झूठ कौन बोल रहा था। मैं ही बोलता हूँ। और आपके अलावा जो हमारे लीडर है उनकी बात थी, अभी जो अभी कांग्रेस के लीडर बता रहे थे, उन्होंने यहाँ विश्वामित्री नदी की बात की थी, तो मेरा उनसे सीधा सवाल है। तब उन्होंने पूछा था कि गंगा नदी का विकास नरेंद्र मोदी ने शुरू किया और विश्वामित्री का क्यों नहीं, तो क्या उनको गंगा माता का विरोध है? क्या उनको गंगा नदी का विरोध है? 60 साल में क्या उन्होंने गंगा नदी का कोई शुद्धिकरण नहीं किया? गंगा हमारी माता है। हमारी माता है, हम उन्हें मानते हैं, इसीलिए मोदी जी ने उसका शुद्धिकरण किया। अब पाजी जरा पीछे दिखाओ। हाँ जी, ये लोग देश की बात कर करके हमारा शहर उन्होंने बेच दिया है। पूरे शहर में खड्डे, जो लोग बड़ोड़ा बड़ोड़ा बोलते हैं, आज खड़ोदरा बोल रहे हैं। यहाँ पर कहीं पर भी जाओ, रास्ते में आपको 25 खड़े मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो मैं आप बोलोगे वो करूंगा। हर जगह पे खड्डे ही खड्डे करे, ये सब कॉर्पोरेशन 25 साल से उनका है, उनमें भी उन्होंने भ्रष्टाचारी किया है। 33,000 करोड़ का उसका वो बजट होता है, उसमें वो भ्रष्टाचारी करते। आपने कभी ब्रिज पे सिग्नल देखे? आपने कभी ब्रिज पे सिग्नल देखे? हमारे बॉर्डर में ब्रिज पे भी सिग्नल है, वहाँ पर भी पुलिस को खड़ा रखना पड़ता है। मैं हूँ आपके साथ बाहर रोड पे, यहाँ पे खड्डे आपको दिखाई दे के नहीं दिखाई दे रहा, आप देख लीजिए। मैं अभी ये बोल रहा हूँ कि पहले इनके राज में 60 साल में 3 ओवर ब्रिज थे, और ये आज हमने 70 ओवर ब्रिज बनाए, फ्लाईओवर हमने 17 बनाए, इनके से 3 थे, 60 साल में 3 और 17 साल में 17 बनाए। क्या ये लोग बार बार जो बोलते हैं कि रोड बनाए, ब्रिज बनाए, तो क्या पैसे अपने मामा के घर से लाए थे? ये पब्लिक के पैसे है, ये जनता के पैसे है, अपने मामा के घर से पैसे लाए थे। दूसरा रोड और ब्रिज विकास नहीं है क्या? रोटी, कपड़ा, मकान आम आदमी को नहीं मिलना चाहिए? सिर्फ रोड और ब्रिज से पेट भरेगा? मोदी जी भाषण देते हैं लेकिन खाने के लिए राशन चाहिए। रोड और विकास ब्रिज में नहीं आते हैं क्या? रोड और ब्रिज विकास में नहीं आते ये लोग? रोटी, कपड़ा, मकान भी हमारे लोग दे रहे हैं, सरकार हमारी दे रही है। रोटी, कपड़ा, मकान की बात कर रहे हैं तो नेहरू जी का एक स्लोगन था कि आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। 16 साल उन्होंने राज किया नेहरू जी ने। दूसरा, इंदिरा गांधी जब आई तो बोलते हैं पूरी रोटी खाएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। 14 साल में अगर वो आधी रोटी से एक रोटी तक आते तो पेट भर खाने के लिए तो सालों लग जाएंगे, तब तक दुनिया बहुत आगे बढ़ गई होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ 3 साल में 20 करोड़ बैंक खाते खुलवाए भाजपा की सरकार ने। दूसरा, बेसिक जरूरत की बात करते हो तो एक टॉयलेट की सुविधा भी हमारे देश में थी नहीं, जो 14 करोड़ टॉयलेट आज भाजपा की सरकार ने बनवाए। रोटी, कपड़ा, मकान रहने के लिए झोपड़ी मजबूर किया था, जो आज घर का घर दे रहे हैं भाजपा की सरकार दे रही है। और
कोट गवर्नमेंट जी एक लास्ट कोट कांग्रेस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अभी वंदे मातरम और भारत माता की जय बोल दिया है। ये लोग भी भाजपा के हो गए हैं। विकास विकास की बात भी विकास क्या हो रहा है। शाम को तमाम परिंदे घर की तरफ जी। एक्चुअल में ये जो बर्ड्स है सब माइग्रेटरी बर्ड्स है। रोजी पेस्टर इसे कहा जाता है, गुजराती में वयू बोलते हैं हम इसको बड़े प्यार से। और हर सर्दी की शुरुआत में ये अफ्रीका से माइग्रेट होके गुजरात की तरफ आते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि गुजरात का माहौल इतना सुरक्षित है कि इंसान तो सही, परिंदे और जानवरों को भी गुजरात अपनी तरफ खींचने के लिए मजबूर। क्या बात है, क्या नाम है आपका? विशाल ठाकुर। परिंदे भी गुजरात आने लगते हैं। जारे उड़ जारे उड़ जारे पंछिया, जारे उड़ जारे उड़ जारे पंछिया, उड़ जारे उड़ जा। अप्पा जी क्या बात है। और बड़ौदा की शाम लोगों के बीच में, पाजी कहते हैं बड़ौदा में खाने का शौक है, घूमने का शौक है, वैसे तो गुजरात में पूरा यही शौक है, लेकिन पाजी अगर ये लोग मिल जाएं एक जगह और रिलैक्सिंग मूड में तो बात बन जाती है। जी हाँ, कहीं से भी बात शुरू करें। पिकनिक नहीं खत्म हो गई, अब जा रही हैं घर? नहीं अभी बैठेंगी। कितनी देर और बैठेंगी? थोड़ी देर और बैठेंगे। ये पाजी जो तो थोड़ी देर है ना, इसी में 5 साल गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। चुनाव आ जाते हैं। चुनाव आने वाले हैं। कब? टाइम है। कितना टाइम है साहब? चुनाव कब है आपके? अभी आने ही है। ये भी आने वाली है। चुनाव की तारीख क्या है बताइए? 14 तारीख। ये याद रख लीजिए, देखिए वोट देने जाना है 14 तारीख है। 14 तारीख तो क्या थी, इधर क्या लग रहा है सर, क्या मन रही है बड़ौदा में? बीजेपी कांग्रेस भी बन रही है। हाँ जी, बीजेपी कांग्रेस बीजेपी 150 प्लस 150 प्लस 150 प्लस आएगी बीजेपी। कैसे झटके थे जरा बताओ। कांग्रेस का बताए तो कांग्रेस ने जो पिछले 14 साल में जो गुजरात के साथ अत्याचार किया है, वो अत्याचार का बदला लेने का वक्त आ गया है। केंद्र में जब सरकार थी तब नर्मदा नदी का वो बांध बनने नहीं दिया था, जो 14 ही दिन में नरेंद्र मोदी ने आके बनाया है, जो सौराष्ट्र को पानी पहुंचाने के लिए सालों से जरूरत थी, वो आज जाकर 14 दिन में जो किया वो 60 साल से नहीं किया। बहुत देर से बोलना चाह रही थी, मुझे मालूम है। तो क्या होने वाला चाहिए इलेक्शन में, क्या होगा इधर, क्या हवा चलने वाली? यहाँ पे 12 बजे तक यहाँ घूमती है ना, तो कुछ महिला सुरक्षा बहुत अच्छा नहीं है। लड़की यहाँ पर घूमती है रात को, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। वुमेन प्रोटेक्शन और वुमेन की सुरक्षा जो है, महिला सुरक्षा बहुत 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 बढ़िया है, बहुत बड़ौदा में। तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव में क्या रहेगा? भाजपा आनी चाहिए, नरेंद्र मोदी। बिल्कुल हाँ, मुझे लगता है भाजपा आने वाला है। भाजपा आने वाला, भाजपा आना चाहिए। साहब बताइए, क्या बड़ौदा का क्या लगता है, क्या अच्छी है, क्या खूबसूरत चीज है, क्या खासियत है? खाना, एंड ओनली खाना। जी कितना खाते हैं गुजरात के लोग? खाना और सिर्फ खाना, सिर्फ खाना। यस, खाना और सिर्फ खाना। लेकिन बाजी सबसे अच्छी बात है, खाना और खाने के अलावा कुछ नहीं। जी क्या करें, मौज मस्ती बाजी, गुजरात का यही है। और बड़ौदा में जब हो आप तो क्या बात है। लेकिन बाजी क्या होना है यहाँ पे चुनाव में? आई थिंक 50-50 बाजी बीजेपी। जी कम मिलता है ऐसा, ऐसे कैसे लोग कम मिलते हैं? साइड लाइक इधर भी लेकिन यू आर वेरी फोकस्ड। आई एम मोदी सपोर्टर 50-50। यस 50-50 50-50 बातचीत के सिलसिले को भी जोड़ते चलेंगे। पाजी म्यूजिक आपने दे दिया बड़ौदा वालों को, खाने का स्वाद ये जानते हैं, बातचीत। ओ भाई क्या बात है, क्या बात है। तो क्या खा रहे हैं आप?
मंचूरियन। मंचूरियन चाइनीज भाई, गुजरात में चाइनीज का स्वाद कुछ और अच्छा है? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और बाकी स्वाद यहाँ पे कैसे आने वाले हैं साहब चुनाव में? चुनाव में भी बहुत बढ़िया है। क्या होगा वो तो इलेक्शन रिजल्ट के बाद ही पता वो तो पता चलेगा, लेकिन आपको क्या अंदाजा लगता है? आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ जी। शायद भाजप। बिरयानी है या फ्राइड राइस है? राइस है। क्या बात है, वेरी नाइस है, क्या बात है। क्या लग रहा है इस बार, कहाँ के? यही बड़ौदा से? बोरसद से। बोरसद ये अच्छा। बाप रे बाप पाजी, बाहर के भी लोग आते हैं। पाजी तुम धीमे क्यों पड़े? बत्तियां बुझा दो के नींद नहीं आती है। क्या नाम हो गया भाई? राजेश भाई। हाँ राजेश भाई। राजेश भाई टीका तो बड़ा गजब का लगाया राजेश भाई। क्या होने वाला है यहाँ पे गुजरात में? बस अभी जो फाइट चल रही है। अभी फाइट चल रही है? किसमें, मुर्गे में? नहीं नहीं, दो मुर्गे में। कौन कौन है? कांग्रेस और भाजपा। फाइट चल रही है भाजी, फाइट। अपना भी बस्ता बंद करने का टाइम आ गया भाजी, और चलने का समय मेरा भी जी। आपने काय का स्वाद लिया साहब? पाव भाजी का। पाव भाजी जी बहुत स्वादिष्ट है यहाँ की पाव भाजी। हाँ। खास क्या है इस पाव भाजी में? कुछ नहीं, आप बता सकते? स्वाद और स्वाद बताया नहीं जा सकता बगैर खाए हुए। स्वाद बहुत अच्छा है, 20 साल से कर रहे हैं। देखा कि नहीं? मैंने तो अभी नहीं खाया, मैं सोच रहा हूँ कि पहले काम खत्म करना चाहिए फिर खाना चाहिए। लेकिन यकीन मानिए मैं आपको देख के जान सकता हूँ कि स्वाद इसका लाजवाब है जी, बहुत अच्छा। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत बढ़िया बात है। तो मैं तो सवाल पूछ ही लेता हूँ उनसे, क्या बात है। तो इस बार के चुनाव तमाम सारे चुनाव से डिफिकल्ट है या ये चुनाव भी पिछले तरह के चुनाव जैसा है? डिफिकल्ट तो है इस बार, डिफिकल्ट है ये चुनाव? काफी डिफिकल्ट है। इन व्हाट वे, किस तरह से ये चुनाव डिफिकल्ट है? ऑल द पार्टीज आर, मतलब सारी पार्टियां ज्यादा अपना मतलब कैंपेन ज्यादा कर रही है, ज्यादा गुजरात विजिट कर रही है। पॉलिटिकल पार्टीज में जो फाइट हो रही है इलेक्शन, उसमें कौन ऊपर लगता है, दिखता है इस समय? इस समय भाजपा ही है। भाजपा, इन्होंने कहा इस वजह से तो नहीं ना? क्योंकि वोट आपका अपना है। पाजी अब तो भूख मुझको भी लगाई, पाजी कितनी देर घुमाओगे, कहाँ कहाँ तक घुमाओगे? उधर उन्होंने आर पार की झंडी दे दी है और तुमने भैया जी कहीं।